एवरीवन, आज हम बनाएंगे प्याज की सब्जी। ये सब्जी फटाफट बन भी जाता है और खाने में लाजवाब होता है। इसे बच्चे बड़े सभी पसंद करते हैं। ये पूरी पराठा के साथ बहुत टेस्टी होता है, या दाल चावल के साथ खाइए फिर भी खाने में लाजवाब होता है। तो आइए देखते हैं प्याज की टेस्टी सब्जी कैसे बनता है। प्याज की सब्जी बनाने के लिए 300 ग्राम प्याज को छील के धो के स्ट्रेनर में रख दिए थे। अब इसे काटेंगे। इसको पीछे से इस तरह से काटें तो ये जो सफ़ेद हिस्सा है इसे निकाल देंगे। इसको सब्जी के साथ नहीं पकाना है। अब इस तरह से काट लेंगे प्याज को। प्याज को ना बहुत महीन काटना है ना मोटा काटना है। इस तरह से प्याज को काट के रेडी करना है। अगर किसी प्याज में ये है तो इसे भी काट के निकाल देते हैं। प्याज कट के रेडी हो गया है। अब इसको हाथ से इस तरह से मसल के अलग करेंगे। प्याज अलग हो गया है, अब इसे साइड में रखते हैं। गैस पर कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिए हैं। अब दो कलछुली इसमें सरसों का तेल डालेंगे। तेल गर्म हो गया है, दो कटोरी को तोड़ लिए हैं। अब तेल में डाल देंगे, इसको फ्राई करेंगे। कटोरी फ्राई हो गया है। 4-5 कली लहसुन छील के काट के रखे हैं, इसे आयरन में डाल दिए। अदरक भी 2 टुकड़ा छील के काट लिए हैं, इसे भी डाल दिए। आधा मिनट तक लहसुन अदरक को भी फ्राई करें। लहसुन अदरक फ्राई हो गया है और जो प्याज छील के काट के रखे हैं तेल में डाल देंगे। अब को हाई फ्लेम पर 2-3 मिनट तक फ्राई करेंगे। प्याज को पराठा चलाते हुए फ्राई करेंगे जिससे प्याज जले नहीं। हाई फ्लेम पर प्याज 2-3 मिनट तक फ्राई हो चुका है। अब गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। आधा चम्मच प्याज में हल्दी पाउडर डाल दिए। धनिया पाउडर आधा चम्मच डालें। नमक आप अपने टेस्ट अनुसार डालिएगा, हम आधा चम्मच डाल रहे हैं। गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच से कम डाल दिए। लाल मिर्ची पाउडर जितना आप तीखा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से डालिएगा, हम आधा चम्मच डालेंगे। अब इन सब चीज़ों को मिला लेंगे। इन मसालों को 1 मिनट तक प्याज के साथ भूनेंगे। प्याज के साथ मसाले भून गए हैं। 1 चम्मच पोस्ता दाना भून के इसमें डाल दिए। आम की 1 खटाई डाल दिए और इन सब चीज़ों को मिला लेंगे। अब प्याज में छोटी कटोरी से 1 कटोरी पानी डालेंगे और इसे मिलाएंगे। इसको ढककर मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक पकाएंगे। सब्जी को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। इसे बीच में 2 बार चला दिए थे। सब्जी अच्छे से पक गया है। अब इसमें कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। धनिया को मिला लेंगे। धनिया मिक्स हो गया है, अब गैस को बंद कर देंगे। प्याज की सब्जी को सर्व करेंगे। ये सब्जी खाने में बहुत टेस्टी होता है। इसे चाहे रोटी चपाती के साथ खाइए या पूरे पराठे के साथ। एक बार आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट करिए। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।